Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों मैं आज आपके सामने फिर से अपना लेक्चर नंबर पाँच जो कि हमारे कोर्स फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के पाँचवा ये लेक्चर है उस क्रम में जिसका टाइटल है सेंसेशन एंड परसेप्शन तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे अन्य जो सेंसेशन यानी संवेदना के जो और पार्ट्स हैं अंग अंग हैं उनमें हम किस प्रकार से हमारी प्रोसेसिंग होती है सूचना किस किस प्रकार से आती है और वो मस्तिष्क तक जाती है और इसमें इनके जो इस पूरी संवेदना का जो ये प्रक्रिया है इन अंगों द्वारा इसमें किस किस प्रकार से क्या क्या महत्वपूर्ण इनके बारे में जो बातें हैं वो सब अब हम आज जानने का प्रयास करेंगे और हम अपने इस आज के सत्र में जो पिछली बार हमारा पिछले सत्र में जो ह्यूमन ईयर यानी कि मानव कान के बारे में जो उसकी संरचना और जो उसके जो भाग और उसकी उसके कार्य कार्यों के बारे में जो हमारा एक जो डिस्कशन रह गया था उसको भी हम आज इसमें कवर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम ये ध्यान दें कि ये जो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है इस फिगर में आप देखिए कि ये एक मानव कान का एक पूरा स्ट्रक्चर है संरचना है उसकी और इसमें जो रोचक बात है जो कि आपको काफ़ी रोचक लगेगी कि ये जो देखिए पार्ट है जिसको कि हम यहाँ पर ओरिकल लिख रहे हैं और इसको ऑल्सो वी कॉल एज पिन्ना यानी पिना जो है वो हमारा आउटर ईयर है और दिलचस्प बात ये है कि हमें जो दिखता है वो केवल हमारा ये जो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है यही हमें दिखता है बाहर से जिसको हम आउटर ईयर कहते हैं और बाकी जो हमारे कान का जो पूरा भाग है वो हमें दिखता नहीं है और हमारे विजिबिलिटी में सिर्फ ये बाहरी कान आता है और असल में इसका रोल मात्र इतना है कि ये जो बाहर से आ रही साउंड्स हैं वाइब्रेशन के स्वरूप और वाइब्रेशन के रूप में ये उन साउंड्स को सिर्फ फोकस करता है ताकि वो यहाँ से एंट्री करें और ये जो ये जो आपको ये जो ट्रैक्ट दिख रहा है इसको हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं और ऑडिट्री कनाल में जो ये सूचना बाहर से आ रही है जो ये इनपुट आ रहा है साउंड के माध्यम से या साउंड के रूप में वो इस कैनाल से अंदर जाता है और उसके बाद आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से वहाँ से हमारे साउंड का जो परसेप्शन है या जो सेंसेशन की जो प्रक्रिया है वो इसके आगे से शुरू होती है तो इसके बाद अब यहां पर जब सर्वप्रथम हमारे ऑडिटरी कैनाल के माध्यम से हमारे कान के अंदर जब साउंड पहुंचती है तो वो सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे टिम्पनिक मेम्ब्रेन ये आप देख रहे हैं यहाँ पर टिम्पनिक मेम्ब्रेन एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है इस पर जाकर के वो टकराती है वो साउंड यानी कि वहां पर जाकर के वो एक छोटा सा कंपन उत्पन्न करती है और उस कंपन के बाद यहां पर इसके तुरंत जुड़े हुए ये तीन छोटी छोटी हड्डियां हैं जिनको आप देख सकते हैं इनका नाम है मैलियस इनकस एंड स्टेपीज और ये तीनों जो हैं ये तीनों ही जो हड्डियां हैं इनको मिला करके तीनों को कहा जाता है ऑसिकल्स और ये ऑसिकल्स जो हैं इनमें हम मैलियस को और हैमर इसका एक अन्य नाम और इनकस को हम एनविल और स्टेपीज को स्टिरप भी कहते हैं ये इनके अलग अलग नाम भी हैं हालांकि ये जो तीनों ऑसिकल्स हैं ये हमारे शरीर की मौजूद सबसे छोटी हड्डियां हैं और इसमें भी जो स्टेपीज़ है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो यानी कि ये तीनों जो हमारे जो ये ऑसिकल्स हैं इनमें इन इसी कंपन का आप कह लीजिए कि उसी कंपन से इनके अंदर भी एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है एक इसमें भी मूवमेंट उत्पन्न होती है इन तीनों हड्डियों में जो कि एक के बाद एक में ट्रांसफर होती है यानी सर्वप्रथम जो साउंड आई वो टिम्परिक मेम्ब्रेन से टकराई और वो साउंड से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ वो वाइब्रेशन आगे जाके मेलियस पर पहुंचता है और मेलियस से फिर वो इनकस पे और इनकस से फिर वो अंततः स्टेपीज पे पहुंचता है तो इस प्रकार से जो हमारी ये तीनों जो ये हड्डियां हैं छोटी हड्डियां बोन्स इन पर वो साउंड जब इफेक्ट डालती है तो उसके बाद ये यहाँ पर ये जो स्टेपीज जहाँ पर जाके ये अपना इंपैक्ट डालता है उस जगह को कहते हैं ओवल विंडो यानी कि वो जो हमारी यहाँ इस ओवल विंडो को भी हमारे आंतरिक कान यानी इनर ईयर की शुरुआत भी माना जाता है और अभी तक जो हम ये देख रहे थे जहां से हमारा टिम्पनिक मेम्ब्रेन और उसके बाद हमारा ऑसिकल्स ये सभी हमारे मिडिल ईयर का भाग माना जाता है और इसके बाद जब ओवल विंडो तक ये वाइब्रेशन पहुंचता है तो ओवल विंडो के बाद जो आप ये देख रहे हैं ये स्नेल नुमा जो स्ट्रक्चर है कॉकलिया और इसके साथ ही साथ ये कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो आपको दिख रहे हैं नाली नुमा जो ये आकृति दिख रही है इनके अंदर एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है और ओवल विंडो पे जब वो वाइब्रेशन पहुंचता है वो मूवमेंट पहुंचती है तो उसके कारण इसके अंदर जो मौजूद फ्लूइड है उस फ्लूइड में भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक हलचल यानी एक मूवमेंट उस फ्लूइड में भी आती है और वो फ्लूइड अब इस पूरे कैनाल में जो मौजूद है और इस, इस कैना ये जो आपका सेमी सर्कुलर यहाँ पर जो कैनाल दिख रहा है और ये जो कॉकलिया है ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है इसमें आप देखेंगे कि स्नेल लाइक -like स्ट्रक्चर कॉकलिया में ही अंदर इसके मौजूद यहाँ पर एक बेसाइलर मेम्ब्रेन होती है जिसको कि वैसाइलर मेम्ब्रेन में हमारे इस इस मेम्ब्रेन के अंदर टाइनी हेयर सेल्स यानी कि छोटे छोटे बहुत ही छोटे सेल्स मौजूद होते हैं और यही वो सेल्स हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं यानी कि ये वो सेल्स हैं जो वास्तव में साउंड को रिसीव करते हैं और इन सेल्स में जो फिजिकल एनर्जी साउंड के रूप में हमें प्राप्त हुई है वाइब्रेशन के रूप में वो एनर्जी फाइनली न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और वो न्यूरल सिग्नल उसके बाद हमारे इस कान में से एक ऑप्टिक फाइबर यहाँ से निकलता है और उस ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचती है और इस पूरी घटनाक्रम में आप ये देखेंगे कि जितने भी प्रकार की साउंड हमारे पास आ रही हैं उन सभी से जुड़ी हुए अलग अलग वाइब्रेशंस यानी अलग अलग मूवमेंट्स हमारे पूरे कान में पहुंचती है और वो फाइनली वो एक मैसेज के तौर पर ब्रेन के पास पहुंचती है और उसके बाद ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और हमें ये पता चलता है कि हमने क्या सुना या किस प्रकार की आवाज़ हमने अभी सुनी तो ये आप इसकी जो संरचना है इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये मानव कान की संरचना एक तो बहुत जटिल है और साथ ही साथ बहुत ही रोचक भी है क्योंकि इतनी सारी लगातार जो हम, हम साउंड्स जिनका हम जो हमें उद्दीपक के तौर पे हमें लगातार मिलती रहती हैं चाहे वो किसी भी सोर्स से इवन कि जब कोई ना भी बोल रहा हो तो भी जब हवा भी चलती है तो भी हमें एक प्रकार का साउंड उसकी वजह से मिलता है एक वाइब्रेशन होता है तो ये तमाम तरह की साउंड्स जो कि कंटिन्यूसली जिनसे हमारा पाला पड़ता रहता है और हमारा जो ईयर है मानव कान है वो लगातार उसको एक प्रोसेसिंग उसकी करता रहता है उसका जो सेंसेशन है उसको उसकी प्रक्रिया को पूरा करके उस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता रहता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है और इसके बाद हम ह्यूमन ईयर यानी मानव कान से जुड़े हुए कुछ और भी रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अब इसके बाद जो साउंड वेव्स हैं जो अभी तक जिसकी हम बात कर रहे थे जो हमारे कान के लिए फिजिकल स्टूमुलस भी है यानी जो भौतिक उद्दीपक हमारे कानों को जो मिलता है वो साउंड के माध्यम से या साउंड के रूप में मिलता है तो इस प्रकार साउंड की कुछ क्वालिटीज हैं जिसमें से एक है उसकी वेवलेंथ यानी कि अगर हम इसको इस प्रकार से देखें अगर इसको ग्राफ में तो वेवलेंथ जो है वो हमारी ये जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहेंगे यानी कि जो दो जो वाइब्रेशंस हैं या जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी वेवलेंथ है हालांकि इसके साथ ही साथ हमें वेवलेंथ से ही एक और फिनोमिनन जुड़ा हुआ है और वो है फ्रीक्वेंसी का यानी वेवलेंथ जितनी कम होगी हमारी फ्रीक्वेंसी साउंड की उतनी ज़्यादा होगी अभी हमने जो ग्राफ बनाया था उसका हम कह सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम थी लेकिन अगर हम उसी जगह पे इस ग्राफ को देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी जो वेव लेंथ है वो काफी कम है और साथ ही साथ इस फ्रीक्वेंसी का जो कि जिसको हम पिच के रूप में भी जानते हैं या पिच के रूप में भी इसको जाना जाता है जिसको हम स्वरमान भी कहते हैं और ये पिच से ये डिसाइड होता है ये पिच का जो यूनिट है मेजरमेंट की जो यूनिट है वो हर्ट्स में मापी जाती है और मानव कान की जो क्षमता है जो सुनने की जो क्षमता है वो बीस हर्ट्स से लेकर के बीस हज़ार हर्ट्स तक होती है और हम इसके बीच की जो भी हमारे लिए जो भी साउंड वेव्स होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी बीस हर्ट्स से बीस हज़ार हर्ट्स तक होगी हम उन्हें सुन पाएंगे और इसीलिए बीस हर्ट से नीचे की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको सब सोनिक कहा जाता है और बीस हज़ार से ऊपर की जो भी फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की होगी उसको हमारे लिए सुपर सोनिक कहा जाता है और ये हमारे सुनने की क्षमता से बाहर के रेंज है इसीलिए मानव कान की जो क्षमता है वो बीस हर्ट से लेकर के बीस हज़ार हर्ड्स तक होती है और इसके साथ साथ जो एम्पलीट्यूड है जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो एम्प्लीटूड हमारे जो साउंड है उसकी लाउडनेस के बारे में होता है यानी उसकी कितनी तीव्रता है यानी उसकी कितनी उस उसके अंदर कितनी आवाज़ है वॉल्यूम की हम बात करते हैं और वॉल्यूम का जब हम अगर उसी ग्राफ पे उसको समझने का प्रयास करें तो वॉल्यूम में जो एम्पलीट्यूड होता है वो इससे दर्शाया जाता है यानी ये जो हाइट आप देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड को दर्शाता है और एम्पलीट्यूड यानी हाइट जितनी ज़्यादा होगी एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा तो इस तरह से हमारे साउंड की आप ये कहें अगर हम इसको एक दोबारा से समझने का प्रयास करें तो जब हम एक ऐसी साउंड देखें जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो और पिच उसकी लो हो तो उसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा और यदि हम एक ऐसा फिगर लें जिसमें साउंड उसकी यानी कि वॉल्यूम उसकी कम होगी और फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी तो उसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा तो ये आपके समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पे मैंने यहां पर इसको बनाया और इसके बाद हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसको कि हम समझना चाहेंगे यहां पर और वो है साउंड की यूनिट और साउंड की जो यूनिट है उसको हम डेसिबल्स में यानी कि ये यूनिट ऑफ साउंड है और हमारे लिए जो सामान्य जो कन्वर्सेशन हम करते हैं जो आम बातचीत करते हैं उसके उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है सिक्सटी डेसिबल्स और इसके अलावा हम लगभग लगभग 30 डेसिबल से लेकर के 20 से 30 डेसिबल तक की आवाज़ों को हम सुन पाते हैं और लेकिन वो हमारे लिए एक विस्पर की तरह यानी जो फुसफुसाहट की तरह या कोई बहुत धीरे से जब हमारे कान में कोई बात कही जाती है या सुनाई देती है वो उस प्रकार की ध्वनि का डेसिबल 20 के आसपास होता है 20 से 30 डेसिबल के आसपास होता है लेकिन इसके साथ ही साथ 80 डेसिबल से ऊपर की जो भी आवाज होती है यानी एनीथिंग थिंग अब डेसिबल वो हमारे लिए नॉइज स्वरूप यानी शोर का वो एक स्वरूप ले लेती है और उसके ऊपर वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो हमारे लिए पेनफुल भी होता है और हानिकारक भी होता है तो अगर इस तरह से हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा डेसिबल की अगर हम बात करें तो वन एट्टी तक जो जेट या जब हमने कोई भी रॉकेट लॉन्च की जब हम बात करते हैं तो उस समय जो डेसिबल में जो जाती है मात्रा जो साउंड की जो उसकी यूनिट जो 180 एट्टी डेसीबल तक पहुंच जाती है और इसलिए रॉकेट लॉन्च या जो जेट वगैरह फाइटर्स जब चलते हैं तो उनकी साउंड्स बहुत ज़्यादा उनकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है और वो हमारे लिए मानव कान के लिए काफ़ी खतरनाक होती है इस तरह की तेज़ आवाज़ अब यहाँ पर हम कुछ और पिच के पिच परसेप्शन के यानी स्वरमान के प्रत्यक्षीकरण के कुछ सिद्धांत हैं जिनको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे जिसमें पहला जो सिद्धांत है उसको प्लेस थ्योरी का नाम दिया गया और इस सिद्धांत को हरमन हेल्महॉल्ड्स ने अपने आ, अ, ने इसको प्रतिपादित किया था और प्लेस थ्योरी में उनका यह कहना था कि हम हमारी जो कान है जो संरचना जो कि हमने अभी अभी जिसका अभी हम लोगों ने अध्ययन भी किया उसके अंदर जो टाइनी हेयर सेल्स मौजूद हैं जो कॉकलिया के अंदर इनके अनुसार उसमें वो जिन जिन, जिन जगहों पर यानी कि वो डिफरेंट प्लेसेस पर वो स्थित हैं वो है, हेयर सेल्स और वो हेयर सेल्स जब कोई भी पिच यानी किसी भी तरह की साउंड जब डिफरेंट पिचेस हमारे पास पहुंचती हैं तो डिफरेंट पिचेस डिफरेंट प्लेसेस की हेयर सेल्स को मूवमेंट में लाते हैं यानी वो उसको अफेक्ट करते हैं या यूं कह लें कि वो जो हेयर सेल्स हैं जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं कॉकलिया में वो उसको परसीव करते हैं या उसको रिसीव करते हैं उस साउंड को या उस वाइब्रेशन के जिसकी फ्रीक्वेंसी या पिच हम कहें अलग अलग होती है तो इस प्रकार से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हमें सुनाई देती हैं क्योंकि अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के लिए अलग अलग हेयर सेल्स एक्टिवेट होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर यानी डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद होते हैं तो इसलिए इस थ्योरी को हम प्लेस थ्योरी के नाम से जानते हैं इसके बाद जो दूसरी थ्योरी है वो रदरफोर्ड ने दी थी और इस थ्योरी को फ्रीक्वेंसी थ्योरी भी कहा जाता है और इस थ्योरी के अनुसार जो भी कान के अंदर जो मौजूद टाइनी हेयर सेल्स हैं वो हेयर सेल्स फ्रीक्वेंसी के अनुसार अलग अलग इंटेंसिटी के न्यूरल सिग्नल्स वहाँ पर भेजते हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसी होगी फ्रीक्वेंसी की जो मात्रा होगी उसी प्रकार का वो न्यूरल सिग्नल जनरेट करेंगे और उसी तरह की न्यूरल सिग्नल जनरेट करके उसी तरह का वो आगे ब्रेन को ट्रांसफर करेंगे लेकिन यहाँ पर इन दोनों थ्योरीज के अंदर एक थोड़ी सी एक कमी रह जाती है और वो ये है कि ये काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स और काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को एक्सप्लेन करने में ये पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं खास करके जब हम ए वन थाउजेंड से ऊपर की बात करते हैं तो ये वन थाउजेंड से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने में ये इनको समस्या आती है इन थ्यूरीज को उसका कारण ये है कि हमारा जो न्यूरल स्ट्रक्चर है जो हमारा न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर जो मैक्सिमम फायरिंग हो सकती है वो अप टू थाउजेंड टाइम्स हो सकती है इसलिए क्योंकि उनके बाद उसमें उसकी प्रक्रिया इस तरह की है क्योंकि उसके बाद वो उससे अधिक फायरिंग नहीं कर सकते या उससे अधिक का सिग्नल वो कैरी नहीं कर सकते तो इसके बाद इसको समझाने के लिए एक और सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है वॉली प्रिंसिपल और ये वीवर एंड ब्रे ने इसको प्रतिपादित किया है और इस सिद्धांत के अनुसार या इस प्रिंसिपल के अनुसार जैसे कि इसके नाम में भी यहां पर आप देख सकते हैं वॉली तो ये जैसे एक वॉलीबॉल का गेम है उसको अगर आप उदाहरण के तौर पे समझने के लिए देखें तो एक वॉलीबॉल के गेम में जब गेंद किसी खिलाड़ी के पाले में जाती है तो वो एक ही खिलाड़ी उस गेंद से नहीं उसको टच करता या उसको वापस करता है बल्कि उसमें कई खिलाड़ी मिल करके हालांकि वॉलीबॉल में केवल तीन ही खिलाड़ी एक बार में उसको टच कर सकते हैं यानी तीन टच कर सकते हैं लेकिन यहां पर अलग अलग न्यूरॉन्स का जो ग्रुप्स है आप कह सकते हैं जो आ, यहां पर हेयर सेल्स की हम बात करेंगे हेयर सेल्स का जो ग्रुप है अलग अलग ग्रुप्स उस साउंड को के सिग्नल्स साथ ही साथ भेजते हैं यानी कि अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लें कि हमारे पास एक थ्री थाउजेंड हर्ट्स की एक फ्रीक्वेंसी वेव है या साउंड है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीन ग्रुप्स में जो कि थाउजेंड उनकी मैक्सिमम लिमिट है तो थाउजेंड हर्ट्स के वो उसको वॉली के रूप में यानी कि इस ये तीनों ग्रुप ग्रुप मिल करके उसको थाउजेंड थाउजेंड हर्ट्स का सिग्नल अलग अलग रूप में ब्रेन तक भेजेंगे और इस तरह से वो हमारी साउंड का जो कंप्लीट रिजल्ट ब्रेन के पास पहुंचेगा वो 3000 थाउजेंड हर्ट्स का पहुंचेगा और उसमें तीन ग्रुप्स ने योगदान दिया 1000 थाउजेंड हर्ट्स ईच यानी कि हर ग्रुप ने एक एक हज़ार हर्ट्स की इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाई हमारे मस्तिष्क तक तो इस प्रकार से जो वॉली प्रिंसिपल है वो हमें इस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को हमें समझने में कि हमारा कान उसका कैसे प्रत्यक्षीकरण करता है या कैसे उसका सेंसेशन हो पाता है इसको समझने में वॉली प्रिंसिपल हमारी सहायता करता है इसके बाद हम एक और हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन ईयर से रिलेटेड और वो है साउंड लोकलाइजेशन का और साउंड लोकलाइजेशन से अर्थ ये है कि जब कोई भी हमारे पास साउंड आती है या जब हमें कोई भी साउंड सुनाई देती है तो हम उसके सोर्स को पता लगा पाते हैं यानी कि वो किस दिशा से आई किस डायरेक्शन से वो साउंड हमारे पास आई हम उसका पता लगा पाते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं साउंड लोकलाइजेशन और साउंड लोकलाइजेशन का जो ये प्रोसेस है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक है क्योंकि साउंड लोकलाइजेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हमारे ये दोनों कान यानी कि जो दो कान हमारे पास हैं ये दोनों कान हमें ये मदद करते हैं समझने में कि जो आवाज़ आ रही है उसकी दिशा क्या है वो किस तरफ से हमारी तरफ आई है तो इस प्रक्रिया में हमारे दोनों कान किस प्रकार से सहायक हैं इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे सपोज कि हमारे हमारे पास एक साउंड आती है या एक एक साउंड हमें सुनाई देती है और वो साउंड अगर हम थोड़ी देर के लिए समझें कि वो हमारे पीछे से आई लेकिन पीछे से आने के साथ ही साथ वो हमारे पीछे में भी हमारे दाहिने तरफ थी यानी कि पीछे तो थी लेकिन वो थोड़ी सी दाहिने तरफ थी अब वो साउंड जब हमारे पास आई तो जाहिर सी बात है कि वो पहले तो दाहिने कान में सीधी जाएगी लेकिन जो बाया कान है उसमें वो जाने के समय हमारा हेड रीजन जो है जो सर है हमारा वो उससे हल्का सा शेडो उत्पन्न करेगा या उसमें एक बाधा उत्पन्न करेगा इसलिए उस साउंड को यहाँ पहुँचने में उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी और इस वजह से यह होगा कि हमारी जो साउंड इस कान में आई है और जो इस कान में जो पहुंची है उन दोनों में एक मामूली सा अंतर होगा और वो अंतर हमारे लिए इतना वो हमें समझने के लिए सहायक होता है कि ये आवाज़ किस दिशा से आ रही है तो जब इस तरह का कोई भी वाक्य होता है तो हमें उससे ये तुरंत ये अंदाजा लग जाता है कि ये दिशा कहाँ से थी जहाँ ये साउंड उत्पन्न हुई है इसी के साथ साथ एक और ऐसा आप इसी उदाहरण में ये समझ सकते हैं कि या हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या होगा यदि आवाज़ जो है वो ठीक हमारे पीछे से यानी सर के ठीक पीछे से आ रही हो ऐसे में जो साउंड है वो दोनों कानों में एकदम बराबर इंटेंसिटी से बराबर फ्रीक्वेंसी में एक ही समय पर पहुंचेगी तो ऐसे में क्या होगा और हमें तब कैसे पता चलेगा कि साउंड की जो डायरेक्शन है उसका जो लोकलाइजेशन है वो किस तरफ है तो ऐसे में इस इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए या इस तरह की परिस्थिति में हम अमूमन आपने ये कभी महसूस किया होगा कि जब इस तरह का आपको स्रोत नहीं मिल पाता है या आप समझ नहीं पाते हैं तो आप हल्का सा अपनी गर्दन को हल्का फुल्का घुमाते हैं यानी अपने सर को घुमाते हैं अपनी दिशा बदलते हैं और उसके साथ ही जैसे ही आप दिशा बदलते हैं तो उसका जो स्थान सीधे आपके पीछे था वो पीछे ना होकर के फिर दाहिने या बाएं हो जाएगा जिसके बाद फिर आप उसको लोकेट कर पाएंगे यदि वो आवाज़ दोबारा आपके पास आती है तो तो इस प्रकार से साउंड लोकलाइजेशन का ये जो ये फिनोमिनन है ये जो प्रक्रिया है ये हमें काफ़ी सहायक होती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिसमें हम तमाम तरह के जो स्टुम्लस हैं जो साउंड्स आ रही हैं उनकी हम उनको हम लोकेट कर पाते हैं उनकी डायरेक्शन को समझ पाते हैं और उसके अनुसार फिर हम अपने कार्य अपने जो डिसीजंस हैं वो ले पाते हैं इसके बाद एक और इसमें इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा आजकल हम ये पाते हैं कि खास करके जब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करते हैं तो श्रवण क्षमता में एक क्षति देखी गई है हालांकि हेरिंग लॉस या हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो उम्र के साथ होने वाला एक फिनोमिनन है यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो उम्र के साथ होती ही है यानी हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो आ, ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज में पहुंच गए हैं उनके अंदर हियरिंग का लॉस जरूर होता है और उनकी जो क्षमता पहले हुआ करती थी उसमें एक गिरावट आती है तो ये एक काफ़ी नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम कह सकते हैं जो कि एजिंग की वजह से यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ ये होता है लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है और खास करके इसका कारण जो है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि युवाओं में और काफ़ी कम एज में यानी कि जिसको हम ओल्ड एज ना माने अगर हम अर्ली फिफ्टीज़ की बात करें या लेट फोर्टी फोर्टीज़ की बात करें तो ऐसे में जो 45 से 55 या 60 के बीच की उम्र के लोग हैं उनके बीच में भी इतनी तेज़ गिरावट और कई बार तो ये और भी पहले हो जाता है इसकी शुरुआत तो इस प्रकार की जो गिरावट आ रही है जो सुनने की क्षमता में जो श्रवण क्षमता में हमारी ये गिरावट आ रही है इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या हम कह सकते हैं कि इसके क्या परिणाम होते हैं तो इस पर एक थोड़ी सी यहाँ पर एक हम लोग कोशिश करेंगे एक इसकी चर्चा करने की तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है इसमें हम देखते हैं कि ऐसा तब हो सकता है जब व्यक्ति किसी बहुत तेज़ यानी कि बहुत हाई डेसिबल की साउंड जो कि उसके लिए डेंजरस हम मान सकते हैं उस तरह की साउंड से जब वो एक्सपोज होता है इमीडिएटली तो इस तरह का जो जो एक्सपोजर है यानी इस तरह का जो उसको जो सामना करना पड़ता है उसकी वजह से कभी कभी टेम्प्रोरी हियर लॉस हो जाता है यानी टेम्प्रोरी हमारी जो क्षमता है सुनने की वो बहुत कम समय के लिए टेम्प्रोरि थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है उसमें समस्या आती है लेकिन यदि यही एक्सपोजर निरंतर हो बार बार हो या बहुत ही ज़्यादा हो जिससे हमारे जो हेयर सेल्स मौजूद हैं जो हमारे कान में उनको क्षति पहुंच जाए तो इस प्रकार का डैमेज काफ़ी लंबा हो सकता है या काफ़ी उस प्रभावी प्रभावी हो सकता है लंबे समय के लिए हालांकि इसके साथ साथ एक और जो इसके साथ जुड़ा हुआ तथ्य है वो ये है कि जब हम एक हाई लेवल की साउंड जो कि हमारे लिए उस प्रकार से इमीडिएटली डेंजरस तो नहीं है यानी उसका तत्काल प्रभाव हमारे ऊपर इस तरह नहीं पड़ता कि हम उसको ये कहेंगे कि वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है या उसकी वजह से हमें बहुत क्षति हो रही है और इसके उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे आजकल हम लोग ईयरफोन वगैरह या हेडफोन वगैरह लगा लेते हैं या घर में ही या कार में अपने हम बहुत तेज़ स्पीकर में म्यूज़िक चलाते हैं या टीवी टीवी चलाते हैं या आजकल डीजे या डेक इस तरह के जो जो उपकरण हैं या व्यवस्थाएं हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे और उपकरण हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर की मशीन का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे लोग जो कि ऐसी व्यवस्था में कार्य करते हैं ऐसे वर्क सेटिंग में कार्य करते हैं जहां पर उनको हाई साउंड लेवल यानी हाई नॉइज लेवल में उनको निरंतर काम करना है आठ घंटे दस घंटे तो ऐसी परिस्थितियां जो हैं इस तरह की परिस्थितियां इस इसमें लंबे समय तक अगर व्यक्ति बना रहता है या इस तरह की स्थिति से उसका बहुत लंबा एक्सपोजर होता है तो ऐसे में ये हो जाता है कि उस व्यक्ति की जो सुनने की क्षमता है वो समय के साथ जैसा एजिंग के प्रोसेस से भी फास्ट उसके अंदर गिरावट आती है यानी कि एज के साथ जो गिरावट आती है ये उससे ज़्यादा तेज गिरावट उसमें आती है और काफ़ी कम उम्र में ही अर्ली फोर्टीज या अर्ली फिफ्टीज में ही इस तरह के लोगों को श्रवण संबंधी समस्याएं आने लगती हैं तो इसका एक हमारे लिए एक इसका एक सीख ये भी है कि हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की जो हाई साउंड जो कंडीशंस हैं या जो इस तरह का जो एन्वायरमेंट है हमें उसको जहाँ तक संभव हो सके उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि तात्कालिक रूप से तो हमें कई बार ये नहीं समझ आता कि इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने जा रहा है परंतु कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक लंबे समय में काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है और काफ़ी इसकी वजह से हमें समस्याएं आ सकती हैं आगे चल के तो इमीडिएट तो हमें नहीं समझ में आता तात्कालिक तो हमें लगता है कि इससे कोई हमें समस्या नहीं होगी परंतु आगे चल के ये एक समस्या का रूप ले लेता है तो अब हम अपने आगे के इस सत्र में स्पर्श तथा अन्य त्वचीय संवेदना यानी कि स्किन से रिलेटेड हमारे जो सेंसेज हैं और उसी का एक प्रकार हमारा टच भी है तो ये सेंसेशन के हम बात करेंगे यहाँ पर इस तरह की संवेदना की हम यहाँ बात करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला ही जो इसका एक यहाँ पर जिक्र है जो कि पेन यानी कि दर्द का जो जिक्र है इसका हम इसकी पहले चर्चा करेंगे प्रकृति इसकी कैसी है और इसका प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है हमारे सेंसेशन के रूप में जो इसका हमें एहसास होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे तो जब हम टच की बात करते हैं तो टच हमारा हमें स्किन से हमारे पता चलता है और स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट ऑर्गन है इन द सेंस ऑफ जब हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें स्किन जो है वो सबसे बड़ा है उसका साइज वो हमारे पूरे शरीर में हम उसको महसूस भी कर सकते हैं कि जो हमारी स्किन है वो हमारे पूरे शरीर में मौजूद है और इस प्रकार से स्किन पर टच के अलावा यानी कि टच हमें आ, प्रेशर के रूप में पता चलता है जब किसी भी चीज़ का हमारे स्किन के साथ स्पर्श होता है एक प्रेशर उस पर पड़ता है तो हमें एक सेंसेशन होता है उसके साथ ही साथ हमें वॉर्म यानी गर्म का यानी टेम्परेचर का और कोल्ड का इस तरह के भी हमें एहसास होते हैं जो कि हमें स्किन की वजह से प्राप्त होते हैं इसके साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण जो जो इसका टच का यानी टच के सेंसेशन का एक और महत्वपूर्ण पार्ट है वो है पेन और पेन का यहाँ पर जिक्र इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो स्किन है उसमें ऐसे बहुत से पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कंडीशन में जब हमें दर्द होता है यानी कि जब हमारे स्किन में इस तरह का सेंसेशन हमें पता चलता है कि हमें किसी प्रकार का कोई दर्द हो रहा है या कोई इंजरी हो गई है तो इस तरह की जो सूचना है वो इमीडिएटली हमारी बॉडी के स्किन सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन तक उसको पहुँचाया जाता है और इसलिए जो पेन हमारे लिए एक बहुत ही आ, हम कह सकते हैं कि सर्वाइवल का भी एक बहुत बड़ा इसका योगदान होता है पेन का और पेन को हम कई बार सिर्फ ये मानते हैं कि पेन हमारे लिए एक नेगेटिव फीलिंग है यानी एक हमें केवल इससे हमें एक नेगेटिव एहसास ही होता है ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है लेकिन अगर हम इसको दूसरे वे में देखें और जो कि बहुत ज़रूरी भी है तो पेन का जो सेंसेशन है वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हमें सूचनाएं देता है क्योंकि अगर इसको एक सिंपल उदाहरण से आप समझें तो आप लंबे समय तक यदि कहीं बैठे रहते हैं या किसी एक सिंगल पोस्चर में आप, आप काफ़ी लंबे समय से हैं तो ऐसे में हमें जब दर्द का एहसास होता है या जब हमें हल्का सा ये फीलिंग आती है कि हमारे किसी एक भाग में थोड़ा दर्द बढ़ गया है तो हम उसके बाद अपना पोस्चर हल्का सा चेंज करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमें ये दर्शाता है कि हमारे बॉडी में जो पेन हो रहा है इसकी वजह से हमारी कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं या कुछ ऐसे अंग हैं जो किसी तकलीफ़ में हैं और इमीडिएटली हम उसके हिसाब से कुछ एक्शन्स लेते हैं और उन एक्शंस के आधार पे फिर हमारा वो दर्द कम हो जाता है तो इस तरह से और इसके साथ ही साथ पेन हमें बहुत सारे और भी मैसेजेस और भी सिग्नल्स देता है जिसके थ्रू जब कभी हम हमें कोई इंजरी होती है या हमें किसी प्रकार का कोई आ, ऐसा एहसास होता है जब हमें जिसकी वजह से हमें कोई चोट लग गई हो तो हम उस तरह की स्थिति में अपने आप को अटेंड कर पाते हैं यानी कि ऐसे तो हम रोजमर्रा के कामों में बिजी रहते हैं या हमारा ध्यान किसी और तरफ रहता है लेकिन जब हमें दर्द का एहसास होता है तब हम दोबारा से अपना ध्यान वापस उस दिशा में केंद्रित करते हैं जहां से उस दर्द का ओरिजिन होता है और ऐसे में उस जगह पर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम कहीं ना कहीं फिर हम अपना उस चोट को या उस तरह की जो भी हमें समस्या है ये कोई कट लग गया है या कोई किसी तरह की खरोंच आ गई है इस तरह के जो भी हमें वहाँ पर समस्या है हम उसको अटेंड कर पाते हैं फिर हम उसका ध्यान दे पाते हैं तो इस लिहाज से भी पेन हमारे लिए एक ज़रूरी कार्य करता है यानी हमें एक बहुत ज़रूरी मैसेजिंग एक मैसेजिंग ये प्रणाली है हमारे लिए जो कि हमें उस दिशा में या उस तरफ कुछ प्रभावी एक्शंस लेने के लिए प्रेरित करता है इसके साथ ही साथ पेन के साथ जो एक और जुड़ा हुआ सिद्धांत है वो है गेट कंट्रोल सिद्धांत और गेट कंट्रोल सिद्धांत में आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमारे स्पाइनल इस कॉर्ड में इस प्रकार का एक मैकेनिज्म है जो कि हमें एक गेट की तरह काम करता है यानी एक दरवाजा है जो खुल सकता है या बंद हो सकता है अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझने का प्रयास करें तो और ये इस वजह से होता है कि जब भी कोई तीखा पेन यानी सीवियर पेन होता है हमें कोई बहुत ही बड़ा दर्द जब हमें होता है इमीडिएट जो किसी कट लग जाने की वजह से या इमीडिएटली किसी प्रकार का कोई ऐसी चोट लगी हो जिसका काफ़ी असहनीय हमें पीड़ा हो रही हो तो इस तरह का जो दर्द होता है वो हमारे बॉडी में वो जो ट्रेवल करता है वो माइलिनेटेड एग्जॉन्स यानी हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार के ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो सूचना को काफ़ी तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं और इनका साइज़ भी अमूमन थोड़ा बड़ा होता है तो ये इस तरह के न्यूरॉन्स की मदद से ये जो सूचना है ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से होते हुए तो जब इस तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा ये जो आ, दर्द की जो सूचना है वो हमारे इन एग्जॉन्स से होते हुए माइलिनेटेड एग्जॉन्स से होते हुए जब ब्रेन तक पहुंचती है तो एक ऐसा समय आता है कि स्पाइनल कॉर्ड इस तरह के एग्जॉन्स से आने वाली सूचनाओं को जब उसका एक एक अवधि बीत जाती है और वो अवधि बहुत बड़ी नहीं होती तो उसके बाद वो उसको उस रास्ते को बंद कर देता है या यूं कहें कि इनके द्वारा आ रहे सिग्नल्स को वो ब्लॉक कर देता है स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि इस तरह के जो एग्जॉन्स हैं उनका एक वहां से पास होने का उसकी सूचना का एक लिमिट है और वो उसके बाद उसको रोक देता है इस वजह से इनकी सूचना आगे हमें नहीं मिलती है इसीलिए आप कभी अगर ये एहसास करें आगे कभी आपको ऐसा अनुभव भी हो सकता है कि जब आप उस पर ध्यान देंगे कि जब हमें कोई कट लगता है या कोई तेज़ चोट लगती है तो उसके बाद जो दर्द हमें होता है वो काफ़ी तीव्र होता है इमीडिएटली हमें उसका एहसास हो जाता है और उसके बाद हम तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन उस पर करते हैं या उसके हिसाब से हम कुछ कार्रवाई करते हैं परंतु कुछ समय के बाद उस दर्द की जो इंटेंसिटी होती है जो उसकी तीक्ष्णता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और उसका यही कारण है और ये क्योंकि वो गेट कंट्रोल सिद्धांत से, से वो गवर्न होता है यानी उससे वो प्रभावित होता है इसके साथ साथ जो हल्का दर्द जब हम कहेंगे जिसको हम बॉडी एक बॉडी एक भी कहते हैं यानी कि जो छोटी पीड़ाएँ हमको होती हैं हल्का फुल्का दर्द होता है कई बार आपने कई लोगों से सुना होगा उन्हें कमर में हल्का दर्द हो रहा है या घुटने में हल्का दर्द हो रहा है या पैर में मांसपेशियों में हाथ में कहीं बहुत हल्का पीड़ा हो रही है बहुत हल्का दर्द हो रहा है लेकिन वो दर्द निरंतर बना रहता है तो उसका एहसास उन तक लगातार उनके ब्रेन तक लगातार वो पेन का सेंसेशन पहुंच रहा है तो इससे हमें एक एक दोबारा से ये हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि यदि गेट कंट्रोल सिद्धांत हमारे तीक्ष्ण यानी कि सीवियर पेन को अगर वो रोक दे रहा था एक समय के बाद तो वो इस तरह के धीमे पेन को यानी कि ये पीड़ा को क्यों नहीं रोक पाता है जो कि निरंतर हल्के हल्के सिग्नल्स के तौर पर हमें मिलती रहती है या हमें उसका एहसास होता रहता है तो इसका कारण ये है कि उसमें जो सूचना माइलिनेटेड एग्जॉन्स में जिनका साइज बड़ा था उनके द्वारा जो सूचना जा रही थी यहाँ पर वो सूचना इस प्रकार से न जा करके वो छोटे छोटे न्यूरोन्स के आ, माध्यम से जाती है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस तरह के न्यूरॉन्स से आ रहे सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं करता है और इसी कारण से जो इस तरह का दर्द होता है वो निरंतर उसमें एक आप पाएंगे कि उसमें एक निरंतरता बनी रहती है और वो कही न कहीं ना कहीं लगातार हमको उस दर्द का एहसास बना रहता है हालांकि इसके कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें ये पाया गया है पेन मैनेजमेंट के लिए कि अगर हम सेंसेशन में दोबारा से कुछ ऐसे इमिडिएट सेंसेशंस को हम क्रिएट करें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उदाहरण लें तो आइस का जो आइस पैक का अगर हम वहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं यानी हम आइस पैक का अगर इस्तेमाल करते हैं बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं उसी जगह पर या उसके आसपास जहां हमें दर्द का एहसास हो रहा है तो उससे होता यह है इमीडिएटली कि उस आइस की वजह से हमारे अदर जो स्किन जो हमारी है या जो अदर हमारे पेन सेंसिटिव जो हमारे वहां पर सेल्स हैं वो उस उस सूचना को रिसीव करते हैं क्योंकि वो बहुत तीक्ष्ण सूचना है और वो इमीडिएटली अपना प्रभाव डालते हैं तो वो फिर से उस हम कह सकते हैं कि उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं जो तेज पीड़ा के समय जो मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है सूचना ले जाने वाला यानी माइलिनेटेड एक्जॉन्स का वो जो एक सिस्टम है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है और ऐसे में वो सिस्टम एक्टिवेट होने के कुछ देर के बाद स्पाइनल कॉर्ड उस रास्ते को फिर से बंद कर देता है यानी वो सूचना को आगे जाने से फिर से बाधित कर देता है और इस कारण से वो जो सूचना हमारी आगे जा रही थी अब तक और लगातार हमें एक पीड़ा का एहसास हो रहा था वो सूचना बंद हो जाती है और हमें त्वरित राहत उससे मिलती है तो इस प्रकार से गेट कंट्रोल सिद्धांत हमारे जो पीड़ा का जो अनुभव है जो सेंसेशन है उसको इस प्रकार से वो हम उसको इससे समझ सकते हैं इसके बाद हम दो और पहलुओं की बात करेंगे जो कि पेन के यानी कि दर्द के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है और उसमें इन दो प्रक्रियाओं का बहुत बड़ा हम कह सकते हैं योगदान या उसका प्रभाव रहता है उसमें एक है पहला है हमारी संस्कृति और यानी कि हमारा कल्चर जिससे कि जिसमें हमारी परवरिश हुई है या जिसमें हमारा रहन सहन रहता है इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि हम दर्द का प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से करते हैं इसके उदाहरण के लिए एक ऐसा आ, कुछ शोधार्थियों ने कुछ शोधकर्ताओं ने ये देखा कि एक ऐसी पर्टिकुलर ट्राइब है जिसमें कि यानी जनजातीय एक ऐसा समाज है जहाँ पर कि उन्होंने जा कर के ये पाया कि वो लोग अपने जो वहाँ के बच्चे हैं या यूँ कह लें कि जो मेल जो यंग वहाँ के मेल हैं उनको वो काफ़ी असहनीय पीड़ा वाली कंडीशंस में उनको रखते हैं और हम उसको कुछ हद तक अमानवीय भी मान सकते हैं हालांकि वो उनके समाज में एक एक्सेप्टेबल प्रक्रिया है क्योंकि वो उनका मानना है कि यदि व्यक्ति को सर्वाइव करना है तो उसे स्ट्रांग होना होगा और उसे मजबूत बनाने के लिए उसके अंदर दर्द सहने की एक अधिक क्षमता होनी चाहिए तो इस प्रकार के कबीले में जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वो लोग उसको एक फेस्टिवल की तरह यानी एक समारोह की तरह वो लोग उसको लेते हैं और उसमें वहाँ के जो युवा हैं उनको असहनीय पीड़ा वाली कंडीशंस में उनको रखा जाता है या उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है जो बहुत ही असहनीय हो पीड़ा पीड़ादायक हो फिर भी आप ये उन उनके उनके चेहरे पर या उनके भाव में ये देखा गया कि वो अपना पेन का जो एक्सप्रेशन है यानी जो दर्द का उनको एहसास था वो बिल्कुल ही उससे प्रभावित नहीं हो रहे थे या बहुत कम प्रभावित हो रहे थे जबकि वो दर्द का जो हम कह सकते हैं जो इंटेंसिटी थी वो देखने वालों के लिए बहुत पीड़ादायक थी तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो खुद उस कंडीशन में होगा उसके लिए वो कितनी पीड़ादायक होनी चाहिए फिर भी वो उस कंडीशन में भी उस पेन को बहुत आराम से बर्दाश्त कर रहे थे यूँ कह लीजिए कि वो उनके लिए एक पुरस्कार स्वरूप था तो इस प्रकार का जो एक हम कह सकते हैं कि एक जो सांस्कृतिक एक प्रभाव है यानी कि आप किस तरह की संस्कृति में पले बड़े हैं किस तरह के बिलीफ्स आपके हैं किस तरह के विचार आपके हैं इन सबका भी हमारे पेन के परसेप्शन पे यानी पेन को हम किस तरीके से परसीव करते हैं उसके प्रति हम कितने सेंसिटिव हैं ये चीज़ें इससे भी प्रभावित होती हैं इसके साथ ही साथ हम एक इसका छोटा उदाहरण एक ये समझने के लिए भी ले सकते हैं कि अमूमन समाज में हम ये देखते हैं सोसाइटी में जहाँ खास करके जहाँ पर एक मेल डोमिनेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ आप पाएंगे कि बहुत सारे कल्चर्स में और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक कल्चर विशेष की बात है ये अक्रॉस द आप कल्चर्स भी इसको पा सकते हैं कि मेल जब मेस्कुलिटी की बात आती है यानी पुरुष की जब बात आती है तो उनके अंदर ये माना जाता है कि वो ज़्यादा दर्द सहने की उनकी क्षमता होनी चाहिए हालांकि अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो दोनों के बीच में मेल और फीमेल के बीच में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट यानी कोई ऐसा मूलभूत अंतर नहीं है कि उनकी पेन की क्षमता अलग होनी चाहिए परंतु ये मान्यता यानी कि एक हमें पुरुष होने के नाते इस तरह का एक उनके ऊपर कई बार ये दबाव या एक्सपेक्टेशन हम कह सकते हैं कि उनसे रहता है तो इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने दर्द का जो प्रकटीकरण है या उसका जो सेंसेशन है उसको वो काफ़ी कंट्रोल करेंगे और उसको वो उतना एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह के कल्चरल इम्पैक्ट्स या कल्चरल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे पेन के परसेप्शन और उसके एक्सप्रेशन और उसके सेंसेशन को लेकर के इसके अलावा एक और हमारा महत्वपूर्ण दर्द के प्रत्यक्षीकरण को लेकर के एक और महत्वपूर्ण रोल है और वो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का रोल है यानी कॉग्निटिव प्रोसेसेस का जो थॉट प्रोसेस हमारे पेन से रिलेटेड हैं वो किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं उसके सेंसेशन को उसके परसेप्शन को तो इस पर भी हम एक चर्चा करेंगे अभी होता ये है कि जो दर्द की जब जब कॉग्निटिव प्रोसेसेस का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दर्द के प्रत्यक्षीकरण पे इसकी इसके लिए कुछ शोध किए गए कुछ स्टडीज़ की गई जिसमें से एक दो स्टडीज़ का मैं यहाँ आपके सामने जिक्र करूँगा अभी उसमें एक स्टडी ये थी कि एक ऐसी सेटिंग बनाई गई जहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया और उसमें से एक ग्रुप को एक ऐसी मूवी दिखाई गई जो काफ़ी खुशनुमा मूवी थी यानी उसको एक ऐसा सिनेमा दिखाया गया जहाँ पर कि उसको वो देखने के बाद उसके अंदर एक अच्छा उसके अंदर एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि उसको आरामद आरामदेह स्थिति में वो पहुँच गया वो व्यक्ति उसको खुशी महसूस हुई और वो एक अच्छे आ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो व्यक्ति था इसके बाद उसी के बाद एक ऐसा ग्रुप था जिसको एक ऐसी मूवी दिखाई जो काफ़ी कष्टदायक मूवी थी जो कि थोड़ा वॉर से या फिर इस प्रकार की विभत्स घटनाओं से थोड़ी वो भरपूर मूवी थी और उसमें इस तरह की जो घटनाएं थी वो व्यक्ति के लिए काफ़ी पीड़ादायक थी और उसको वो रिलैक्स ना करके उल्टा उसको वो एक दर्द का एहसास करा रही थी तो इस तरह के वो थॉट्स उसके अंदर इस तरह की मूवी ने उत्पन्न किया और इसके बाद एक ऐसा ग्रुप था तीसरा ग्रुप जिसको किसी भी प्रकार की कोई मूवी नहीं दिखाई गई और उनको न्यूट्रल कंडीशन का एक ऐसे ही वीडियो दिखाया गया जिसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भावना या कोई सूचना नहीं थी इसके बाद इन तीनों ग्रुप्स को यानी इस तीनों ग्रुप के लोगों को एक ऐसी कंडीशन में डाला गया जहां पर कि उनको एक ऐसी पीड़ा दी गई यानी उनको एक ऐसा पेन दिया गया जो उनके लिए किसी प्रकार से नुकसानदेह तो नहीं था परंतु हाँ उनके लिए वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस था और उसके बाद उनसे ये पूछा गया और उनका इसी के साथ साथ उनको ये बताने को कहा गया कि आप बताइए कि आपको जो पेन का एहसास हुआ वो कितना था या किस गति का था या किस तीव्रता का था तो इसमें रोचक तरीके से ये पता चला कि जो पहला जो ग्रुप था जो लोगों का जिनको एक अच्छी मूवी दिखाई गई थी थोड़ी ही देर पहले एक खुशनुमा मूवी दिखाई गई थी उनके दर्द के एहसास में कमी थी जब उसको देखा गया दूसरे ग्रुप से मिला करके तो दूसरे ग्रुप जबकि जो जिस ग्रुप ने एक ऐसी मूवी देखी थी जो कि एक नेगेटिव मूवी उन्होंने देखी थी एक वॉर संबंधित मूवी देखी थी तो ऐसी परिस्थिति में उनका जो पेन का जो परसेप्शन था वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था तो ये देखा गया कि जो एक हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है उससे भी हमारा जो पेन का परसेप्शन है उस पर प्रभाव पड़ता है इसी क्रम में एक और शोध हुआ और उस शोध में शोधकर्ताओं ने यह किया कि उन्होंने एक ऐसा केमिकल लिया जिस केमिकल का वास्तव में कोई रोल नहीं था यानी उसका कोई प्रभाव नहीं था और उस केमिकल पे उन्होंने एक ऐसा लेबल लगाया जानबूझ करके प्रतिभागियों को दिखाने के लिए कि ये एक अभी अंडर टेस्टिंग एक पेस्ट है और इस क्रीम को लगाने के बाद दर, आपका दर्द कम हो जाएगा यानी आपको दर्द को सहने की क्षमता बढ़ जाएगी और इस तरह का लेबल लगाने के बाद उसको रख दिया गया और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि उसके अंदर से एक दवाई जैसी हल्की खुशबू आती रहे ताकि लगाने के बाद प्रतिभागियों को ये फीलिंग हो कि हमें इस प्रकार का जो ये जो दवाई है ये एक ये जो क्रीम लगाई जा रही है इसका एक मेडिसिनल पर्पज़ है यानी इसका एक दवाई का उपयोग है तो ऐसी स्थिति में उनको जब ये दवाई लगाई गई जो कि वास्तव में उसका कोई प्रभाव नहीं था इसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं और उस दवाई को या उस क्रीम को लगाने के बाद उन्हें उस जगह पर प्रेशर के माध्यम से उनको पेन दिया गया तो जिन कैंडिडेट्स को ये पेन दिया गया उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना था कि हमें दर्द का एहसास कम हो रहा है जो कि इस बात का सूचक है कि उस क्रीम का अपना वास्तव में कोई प्रभाव नहीं था लेकिन चूंकि प्रतिभागियों ने यह माना हुआ था कि इस दवाई की वजह से उन्हें दर्द का एहसास कम होगा तो इस वजह से उन्होंने जो बताया कि उन्हें दर्द का कैसा एहसास हो रहा है तो उन सभी ने उसको कम करके बताया तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं यानी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं उनसे भी जो हमारा दर्द का जो एहसास है यानी जो उसका सेंसेशन है और परसेप्शन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है तो आइए हम लोग इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो स्मेल यानी कि गंध और टेस्ट यानी स्वाद के बारे में उसके सेंसेशन के बारे में हम लोग एक चर्चा करेंगे जब हम स्मेल की बात करते हैं तो स्मेल जो हमारे लिए है वो हम जितने भी हमारे सब्सटेंसेज हैं यानी जो कण हैं जो पदार्थ मौजूद हैं और स्मेल और टेस्ट के के बारे में एक और ज़रूरी आपको मैं यहाँ पर सूचना देना चाहूँगा और वो ये है कि ये दोनों ही टेस्ट इनका जो आधार है वो केमिकल है इनका केमिकल बेसिस है स्मेल का और टेस्ट का तो स्मेल के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स जो मौजूद होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या कण जब हमारे आ, हमारे या एयर में घुल के या पानी में घुल के या किसी भी तरह के पदार्थ में घुल के जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो वो जब हमारे स्मेल जब हम स्मेल की बात करें गंद की बात करें तो गंद हमारे नाक के माध्यम से हमारे नोस्ट्रेल से नाक के माध्यम से वो हमारे अंदर पहुँच कर पर एक मॉइस्चर जैसा एनवायरमेंट रहता है उसमें वो जा करके मॉइस्ट हो जाते हैं यानी कि वो उसमें एक नमी आ जाती है उस मॉलिक्यूल में और उसके बाद हमारी नोज़ में मौजूद एक ऑल्फ़ैक्ट्री एपिथीलियम एक एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा हमारे स्थान है नाक में जो ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम के नाम से जाना जाता है और उस स्थान की का महत्व ये है कि वहाँ पर रिसेप्टर सेल्स और ये वही रिसेप्टर सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्मेल को रिसीव करने के लिए यानी उसको ग्रहण करने के लिए उस सूचना को तो ये उसको सूचना को ग्रहण करते हैं और उसके बाद ये उसको कन्वर्ट करके यानी उस जो जो स्मेल हमारे पास आई है उस सूचना को कन्वर्ट करते हैं न्यूरल एनर्जी में और फिर वो हमारे मस्तिष्क के पास पास उसको भेजा जाता है मानव गंध की जो क्षमता है वो पंद्रह से लेकर के तीन सौ मॉलिकुलर वेट तक के पदार्थों को हम गंध कर सकते हैं उससे कम या उससे ज़्यादा के पदार्थों की गंध हमको नहीं मिल पाती है उदाहरण के लिए हम जब बात करते हैं तो अगर आप चीनी को देखें तो चीनी का जो मॉलिकुलर वेट होता है शुगर का वो 350 के आसपास होता है 345 या 350 के आसपास तो वो मोलिकुलर वेट हमारी इस क्षमता से बाहर है इसीलिए हम उसकी गंध नहीं ले सकते उसकी हमें गंध नहीं आती तो इस प्रकार से जो हमारी ये रेंज है जिसमें फिफ्टीन टू थ्रू फिफ्टीन टू 300 हंड्रेड मॉलिकुलर वेट के सब्सटेंसेस को हम गंध कर सकते हैं और उससे कम या उससे ज़्यादा को हम गंध नहीं कर सकते इसी के साथ साथ आ, हमारे जो रिसेप्टर सेल्स जो मानव में जो मौजूद होते हैं उनकी संख्या 50 मिलियन के आसपास यानी 5 करोड़ के आसपास होती है और अगर यहीं पर हम उसकी तुलना करें एक डॉग की तो डॉग के अंदर इन्हीं रिसेप्टर सेल्स की जो स्मेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जो स्मेल को रिसीव करते हैं उसकी संख्या 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ के आसपास होती है तो हम यहाँ पर ये यह तुलनात्मक देख सकते हैं कि एक डॉग की स्मेलिंग क्षमता इसीलिए हमसे बहुत ज़्यादा होती है इसके साथ ही साथ जब हम बात करें और वो इसके बाद जब बात आती है स्मेल की तो उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे उसके पहले हम लोग टेस्ट के सेंसेशन की बात करते हैं यहाँ पर आप देखिए जो ये पेपिली है इस पेपिली का यहाँ पर ये दर्शाता है कि ये हमारे टंग पे यानि जीप पर मौजूद उभरे हुए कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं एक एक उभार ऐसा होता है हमारी जिह्वा पर मानव जिह्वा पर जो जिसको हम पैपिले कहते हैं और ये पैपिले के अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स यानी कि एक गुच्छा होता है पूरे वहाँ पर एक जमाहट होती है रिसेप्टर सेल्स की और ये रिसेप्टर सेल्स हमारे टेस्ट बर्ड्स के अंदर मौजूद होते हैं और बेसिकली ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं यही हमारे आ, कह सकते हैं कि स्वाद का जो हमें एहसास होता है या अनुभूति होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और टेस्ट बर्ड्स हमारे मानव 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 जो जिब्वा है उसके अंदर टेन थाउजेंड के आसपास टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं और इसी के साथ आ, इन टेस्ट बर्ड्स की अपनी एक क्षमता है और वो मुख्यतः चार प्रकार के जो मूल स्वाद होते हैं उनकी ये उनकी पहचान ये कर सकते हैं यानी मीठा नमकीन खट्टा और कड़वा ये चार तरह के यानी स्वीट सॉल्ट शौर एंड बिटर ये चार मूल स्वाद हैं जिनका हमारी जिह्वा यानी कि हमारे टंग से हमें पता चलता है तो हमें कई बार ये एहसास ये प्रश्न दिमाग में आ सकता है कि जब ये हमारी चार ही प्रकार के बेसिक टेस्ट होते हैं तो हमें इतने सारे अलग अलग वैरायटीज के टेस्ट उनका पता कैसे चलता है या उसका एहसास हमें क्यों होता है तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि मूलतः तो ये चार तरह के ही टेस्ट होते हैं लेकिन इसके साथ साथ उसका स्मेल यानी कि जो खाना हम खाते हैं या जो कोई भी पदार्थ हमें अगर हम उसको देखें उसको अगर हम चखें तो उसकी स्मेल भी उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट में एक कंपोनेंट का काम करती है साथ ही साथ उस चीज़ का टेम्परेचर यानी कि आप इसीलिए पाएंगे जब खाने को आप गर्म करके खाते हैं तो उसका आपको दूसरा स्वाद आता है और खाना जब आप ठंडा खाते हैं तो उसका एक दूसरा स्वाद आता है तो उसका यानी कि उसकी स्मेल उसका टेस्ट उसका जो हमारे पास जो विजन है उसको देखने से हमें जो मिल रहा है इस प्रकार के तमाम और फैक्टर्स हैं जो उस खाने के फूड के टेस्ट को हमारे लिए बदल देते हैं और उसके एहसास को हमारे वो एडप्ट कर देते हैं इस वजह से हमें यह एहसास होता है कि हमें तरह तरह के अलग अलग प्रकार के भोजन या उनका स्वाद हमें मिलता है इसके बाद हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की और वो ये है कि मानवों में गंध पहचानने की क्षमता वैसे तो बहुत सीमित होती है क्योंकि हमारी जो सेंसेशन है वो पर्टिकुलरली उसकी एक रेंज है जैसा हमने अभी पहले अभी इसको अभी पिछले अपने आ, पिछले स्लाइड में भी उसको हमने देखा कि हमारी जो एक कैपेसिटी है वो काफ़ी सीमित है कि हम किस प्रकार की गंध को पहचान सकते हैं या उसका एहसास कर सकते हैं उसका सेंसेशन कर सकते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ जो गंध से यानी जो स्मेल से रिलेटेड हमारी जो स्मृति है मेमोरी है वो बहुत इम्प्रेसिव यानी बहुत ही आकर्षक कह सकते हैं या बहुत प्रभावशाली होती है और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये माना गया है कि गंध से यानी स्मेल से रिलेटेड इस प्रकार के हमारे जो जो भी इवेंट्स होते हैं जिसमें हमें कोई बहुत अच्छी खुशबू या किसी प्रकार का एक बहुत अच्छा स्मेल उससे एसोशिएट होता है तो वो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट की तरह या एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की तरह हमारे लिए वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाती है और हमारी मेमोरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है इसीलिए हम वर्षों बाद भी किसी प्रकार की कोई गंध अगर हमने पहले कभी ली होगी या उसका एहसास किया होगा तो कई वर्षों के बाद कई दिनों के बाद भी हम उसका एहसास दोबारा से पहचान जाते हैं या हम उसको एसोसिएट कर लेते हैं उसको जोड़ लेते हैं उदाहरण के तौर पे यदि आपको पॉपकॉर्न की जब स्मेल आती है तो आपको ये ज़रूर एहसास थोड़ी देर के लिए होगा जब आप कभी पहले मूवी थिएटर में गए होंगे वहाँ भी आपने पॉपकॉर्न खाया होगा और एक स्मेल आती है तो अगर दोबारा वैसी ही स्मेल आती है तो आप उसको पहचान जाते हैं और आप उसको तुरंत एसोशिएट कर पाते हैं कि कैसे हमने जहां हम मूवी देखने गए थे वहां भी हमने पॉपकॉर्न खाया था ये एक एक उदाहरण है इसको समझने का इस प्रकार की प्रक्रिया को इसके साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारी स्मेल यानी कि गंध की जो क्षमता है उससे जुड़ा हुआ है और वो है एरोमा थेरेपी का तो कई सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं एरोमाथेरेपी के क्षेत्र में उनका ये कहना है कि हमारी जो जो स्मेल करने की जो क्षमता है उससे हमारे आ, हमारे मनोवैज्ञानिक जो मनोदशा है उस पर भी प्रभाव पड़ता है इसलिए एक ऐसा शोध भी किया गया इससे संबंधित जिसमें ये पाया गया कि यदि एरोमाथेरेपी में सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि उसमें उनके जो स्पेशलिस्ट हैं या जो इस क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका ये दावा है कि इसके तहत वो बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं उदाहरण के लिए डिप्रेशन या एंजाइटी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं या इस जब कभी हम स्ट्रेस में होते हैं तो उसको वो स्मेल के माध्यम से यानी एक ऐसी थेरेपी देंगे जहाँ पर कि वो विभिन्न प्रकार की स्मेल हमें देंगे जो कि बहुत ही हमारे लिए रिलैक्सिंग होंगी तो इस तरह की वो और उनका एक ये भी मानना है कि कुछ ऐसी स्मेल्स होती हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिट्रस की स्मेल को वो कहते हैं कि ये हमारे लिए अलर्टिंग यानी हमें 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 ये चेतना का हमारे लिए काम करती है हमें अलर्ट करने का काम करती है और लेवेंडर के लिए लेवेंडर की जो स्मेल है उसको वो कहते हैं कि ये हमें रिलैक्स करती है तो एक इसी तरह का एक शोध भी इसमें किया गया जिसमें ये पाया गया कि लेवेंडर की स्मेल जब दी गई कुछ पार्टिसिपेंट्स को और कुछ पार्टिसिपेंट्स को रोज़ की स्मेल दी गई तो इन दोनों पार्टिसिपेंट्स की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद यानी कि उसके बाद जो उनका उनका जो उनको एक टास्क कराया गया उस टास्क में उन दोनों ने एक कह सकते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस था वो दोनों का ही थोड़ा बढ़ा हुआ ज़रूर था और उसी के साथ साथ उनके ब्रेन में भी ये देखा गया कि ई के माध्यम से कि उनके ब्रेन में भी कुछ ऐसे सिग्नल्स थे जिससे ये एहसास मिला या एक ये पता चला कि उनका अलर्टनेस का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है हालांकि जो लेवेंडर जिनको स्मेल दी गई थी उनकी परफॉर्मेंस की जो एक्यूरेसी थी यानी जो एरर का जो उनके कार्य में या उनके जो टास्क में जो मात्रा थी वो काफ़ी कम थी तो इससे ये भी कुछ हद तक ये हम कह सकते हैं ये साबित हुआ कि उनके अंदर आ, लेवेंडर ने एक रिलैक्सेशन का भाव एक उत्पन्न किया हालांकि कुछ और भी शोध किए गए समय के साथ जिनमें इस चीज़ को उतने जितनी स्पष्टता से यहाँ पर इसको बताया गया है कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है या हम इस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं उनकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से उभरने में या निकलने में तो इस प्रकार से ये पाया गया कि बहुत सारे शोधों में इसको दोबारा से कोशिश की गई दोहराने की जिसमें मिश्रित परिणाम मिले और कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि इसमें इसका एक फ़ायदा है और कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि इसका कोई विशेष फायदा नहीं है बल्कि ये स्मेल की वजह से एक पॉजिटिव मूड जनरेट होता है और उस पॉजिटिव मूड की वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस में या जो रिलैक्सेशन का जो एहसास हमें होता है या जो परफॉर्मेंस में सुधार प्रतीत होता है वो उस कारण से होता है न कि स्मेल के कारण से तो इस प्रकार के इसमें आप कह सकते हैं कि मिश्रित परिणाम मिले हैं शोध के द्वारा और इस पर चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं तो इसके साथ ही साथ जो आज का हमारा ये सत्र है इसके हम लोग आ, समाप्ति की ओर पहुँच रहे हैं और इसी के साथ आ, जो हमने आज चर्चाएँ की उसमें हमने कुछ अपने सेंस ऑर्गन्स की महत्वपूर्ण जिसमें से कि ह्यूमन ईयर की हमने बात की हमने आ, स्किन सेंस की यानी टच की जो जो हमारा सेंसेशन है हमने उसकी बात की और साथ ही साथ हमने स्मेल और टेस्ट इन दोनों प्रकार के जो सेंसेशंस हमें होते हैं जिसका केमिकल नेचर होता है हमने उसकी भी बात की तो इसके बाद हम लोग अपने अगले सत्र में जो कि लेक्चर नंबर सिक्स होगा उसमें हम अपने इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे तो इसी के साथ आप सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद